अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। इंडिया मत आओ, पाकिस्तान खेलने के लिए भारत वालों मत आओ पाकिस्तान, ना ना। पहले श्रीलंका का नाम आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ी छलांग लगा दी है, एक और चाल चल दी है कि नेदरलैंड जो है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी का कंटेंडर अब क्यों है। भारत खुद तो खेलेगा नहीं, श्रीलंका को खेलने देगा नहीं, तो फिर सिंपल क्या है कि इंडिया न खुद खेलेगा न खेलने देगा श्रीलंका को। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा एक इंग्लिश टीम की तरफ, वो है नेदरलैंड। अगली बारी फिर नेदरलैंड की है, जो टेंथ यानी कि पोजीशन पर थी वर्ल्ड टेस्ट ओडीआई, जो वर्ल्ड कप सुपर लीग की मतलब पॉइंट्स टेबल था उसमें, यानी कि नेदरलैंड भी आ सकता है अगर श्रीलंका ने ना की, क्योंकि भारत और श्रीलंका सबको पता है नेबर्स हैं, तो फिर माननी तो पड़ेगी ना। तो अगर श्रीलंका नहीं खेलता तो फिर जनाब नेदरलैंड जो उसको तैयार रहने के लिए कहा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना अल्टीमेटम देने वाला है, यह सबको पता है कि 100 डेज मीटिंग से पहले ही पीसीबी ने इनको देने का फैसला किया कि 100 डेज के अंदर आपने फैसला करना है। सब कुछ तैयार हो जाएगा, प्लान्स हो जाएगा, सब कुछ रेडी होगा, लेकिन आपको मोहलत दी जाएगी 100 डेज की कि कुछ करो, नहीं तो फिर हम अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंका ना आया तो नेदरलैंड जब वो खेलेगा, श्रीलंका ने भारत की तरफ यानी कि झुकाव किया तो फिर जो है पाकिस्तान नेदरलैंड की तरफ जा सकते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जनाब पीसीबी बड़ा स्ट्रिक्ट है और डिसीजन है, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं तो कोई मैच बाहर हो जाए। भाई हम इतना पैसा थोड़ी लगा रहे हैं कोई यहां पर, यानी कि कोई डांस वगैरह तो नहीं करवानी है कोई यहां पर। तो पीसीबी बड़ा जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उन्होंने बिल्कुल पीछे ना हटने का इस वक्त मुतालबा किया है, फैसला किया है। अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।